चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्राइटेरिया फॉर बीइंग लिविंग कर लिया था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया था डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का, ठीक है। अब हम लोग उसको डिटेल में करते हैं। अगर हम देखें सो फार वी आर एबल टू आइडेंटिफाई 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इतने प्लांट्स एंड एनिमल्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया 1.7 टू 1.8। आउट ऑफ दिस 1.2 मिलियन इज एनिमल एंड 0.5 टू 0.6 मिलियन इज प्लांट। तो मैंने कहा कि सो फार 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड नेम्ड, ओके। नाउ आउट ऑफ दिस 1.2 मिलियन इज एनिमल एंड 0.5 टू 0.6 मिलियन इज प्लांट। नाउ अमंग एनिमल इंसेक्ट जो है लार्जेस्ट ग्रुप है। अगर हम प्लांट में देखें तो प्लांट के केस में जो लार्जेस्ट ग्रुप है दैट इज फ्लावरिंग प्लांट। सो अमंग प्लांट्स इट इज फ्लावरिंग प्लांट विच फॉर्म्स द लार्जेस्ट ग्रुप। नाउ अगर हम ये तो हमने वो नंबर आपको बताया जो कि हमने आइडेंटिफाई करके नेम कर लिया है, ठीक है। कि बोर्ड इज नॉट क्लियर देन माय वॉइस इज क्लियर और नॉट? इफ माय वॉइस इज क्लियर देन बियर विथ माय वॉइस, ओके। बोर्ड का हम देखते हैं क्या अरेंजमेंट कर सकते, कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे करके इंप्रूव हो जाएगा। नाउ अगर हम ये नंबर देखें तो 1.7 टू 1.8 मिलियन जो है वो प्लांट और एनिमल है जिनको हमने आइडेंटिफाई करके नेम कर दिया है। तो टोटल कितने हैं अगर हम टोटल देखें अर्थ पे कितने प्लांट्स और एनिमल्स हैं? तो टोटल वी हैव अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन प्लैनेट अर्थ। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ जो एस्टिमेट है हमारा, इट 7 मिलियन स्पीसीज है। ये कैसे आया एस्टिमेट, ये हम लोग 12th में पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये नंबर कहां से अचीव किया हमने, अभी आपके डोमेन से बाहर, ठीक है ना। तो दिस मच इज द नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल। नाउ यू वॉन्ट टू स्टडी दिस प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। और ये जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, प्लांट और एनिमल के लेवल पे, इसके लिए एक कॉमन टर्म हम लोग यूज करते हैं, दैट टर्म इज बायोडाइवर्सिटी। सो नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज डाइवर्सिटी एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोडाइवर्सिटी इज डाइवर्सिटी एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। इसको भी हम लोग डिटेल में 12th में पढ़ेंगे, अभी इतना ही जानना है कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। सो इट इज डाइवर्सिटी एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ अब हमें इतने सारे प्लांट्स और एनिमल्स को स्टडी करना है, अगर हमको इनको स्टडी करना है तो हमें एक स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को यूज करना पड़ेगा, एंड दैट स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज टैक्सोनॉमी। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्सोनॉमी, राइट डाउन हेडिंग टैक्सोनॉमी। व्हाट इज टैक्सोनॉमी, हाउ यू विल डिफाइन टैक्सोनॉमी? इसको डिफाइन करने से पहले
कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट में हम जान लें। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, टर्म टैक्सोनॉमी वॉज कॉइंड बाई, द टर्म टैक्सोनॉमी वॉज कॉइंड बाई एपीडी कांडोल। टर्म टैक्सोनॉमी वॉज कॉइंड बाई एपी डीई डी कांडोल, सी ए एन डी ओ डबल एल ई। So the term taxonomy was coined by APD Kandol, and father of taxonomy is Carlos Linnaeus is father of taxonomy. Now ab ye taxonomy hai kya, hum taxonomy ko define kaise karte hain? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद कैरेक्टराइजेशन, identification nomenclature and classification of organism। तो मैंने यहां पे चार टर्म्स यूज किए हैं, characterization, identification, nomenclature and classification। These are the four. Now, so it is branch of biology which deals with characterization, identification, nomenclature and classification of organism. So, मैंने यहाँ चार टर्म यूज किया है, ठीक है? ये जो हमारा पहला दो टर्म है, that is characterization, identification, इसको हम लोग एक साथ करते हैं, देन ये दूसरा स्टेप आता है और ये तीसरा स्टेप आता है, ठीक है? तो व्हाट इज कैरेक्टराइजेशन, मैंने आपको बताया था, कैरेक्टराइजेशन मींस इट इज कंपैरिजन ऑफ एन अननोन विद द नोन इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई। हम क्या करते हैं कि एक अननोन को नोन से कंपेयर करते हैं, क्यों? क्योंकि हम उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, मान लीजिए आप कहीं पे घूमने गए और वहां पे आपने किसी जानवर को देखा, ठीक है? अब वो जो जानवर है, ठीक है, वो आपने पहली बार देखा, उससे पहले उस जानवर को आपने देखा नहीं था। तो अब आप उस जानवर को एक्सप्लेन कर रहे हो अपने किसी दोस्त को, ठीक है? तो आप बता रहे हो, यार मैंने एक जानवर देखा, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर इसकी तरह, गाय की तरह था, उसका फेस जो था वो उसकी तरह था, उसका टेल उसकी तरह था, उसका पैर उसकी तरह था। मतलब उस अननोन ऑब्जेक्ट पे आप नोन कैरेक्टर इम्पार्ट कर रहे हो, और इसका मतलब होता है कि आप उसको करेक्टराइज कर रहे हो। आप उसको करेक्टराइज क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप उसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो, ठीक है? प्रणाम, करेक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस, करेक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच एन अननोन इज कंपेयर्ड, an unknown is compared with a known in order to identify it, तो characterization और identification हमारा एक साथ होता है, ठीक है? Now, next step हमारा आता है nomenclature, next step is nomenclature. Now, what is nomenclature? Nomenclature का मतलब होता है कि आप किसी ऑर्गेनिज्म को नेम कर रहे हो, आप एक उसको नाम दे रहे हो। आप उसको नाम क्यों दे रहे हो? इसलिए आप नाम दे रहे हो। आइडेंटिफिकेशन का डेफिनेशन क्या है कि आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो कि भाई प्लांट है, एनिमल है, या कौन सा प्लांट है, कौन सा एनिमल है, आप उसको आइडेंटिफाई करो। दैट इज सिंपल आइडेंटिफिकेशन। भाई ये प्लांट है, आपने मान लो उसमें लीफ देखा तो रेटिकुलेट वेनेशन है, तो आप कहोगे कि भाई ये डाइकॉट है,
अगर पैरेलल वेनेशन है तो आप कहोगे ये मोनोपॉट है, उसके बाद फर्दर आप उसका नाम करोगे, फिर उसका क्लासिफिकेशन होगा, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो करेक्टराइजेशन विल लीड टू आइडेंटिफिकेशन। ठीक है ना, अब क्या है नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में क्या है कि नेम इज गिवन टू एन ऑर्गेनिज्म सो दैट ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय दैट पर्टिकुलर नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन। एंड दिस नेम इज गिवन टू एन ऑर्गेनिज्म सो दैट ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय दैट पर्टिकुलर नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन। मान लीजिए जैसे आलू है, आलू का नाम सोलेनम ट्यूब्रोसम, तो पूरी दुनिया में उसको हम लोग सोलेनम ट्यूब्रोसम ही कहते हैं। इंडिया में ही यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में आलू है तो मुंबई में बटाटा है, साउथ इंडिया में कुछ और नाम हो। ठीक है, तो अलग अलग नाम है हर जगह, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी में उसको एक ही नाम से जाना जाता है, दैट इज सोलेनम ट्यूब्रोसम। राइट, डन। नॉमेनक्लेचर, इन दिस नेम इज गिवन टू एन ऑर्गेनिज्म, नेम इज गिवन टू एन ऑर्गेनिज्म सो दैट ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय दैट पर्टिकुलर नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड in order to avoid any sort of confusion. ठीक है, any sort of confusion. Clear? No. अब nomenclature जो है ऐसा नहीं है कि randomly कुछ भी नाम रख। ठीक है, nomenclature करने के लिए there are certain rules, और उन रूल को फॉलो करके ही हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो फॉर नॉमेनक्लेचर वी फॉलो बाइनोमियल सिस्टम। ओके, डन। फॉर नॉमेनक्लेचर बाइनोमियल सिस्टम इज फॉलोड। फॉर नॉमेनक्लेचर बाइनोमियल system is followed. It was popularized by Carolus Linnaeus. तो Linnaeus ने इस binomial system को popularize किया। ठीक है, ये binomial system है क्या? ठीक है, इसी कारण Linnaeus को हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, बिकॉज ही पॉपुलराइज्ड दिस बाइनोमियल सिस्टम। ये बाइनोमियल सिस्टम है क्या? ये बाइनोमियल सिस्टम ये कहता है कि नेम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, बाय मींस दैट इज नेम ऑफ जीनस एंड नेम ऑफ स्पीसीज। राइट, ऑन। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ए नेम consists of two parts, that is name of species and name of genus. Consists of two parts, that is name of species and name of genus. ओके, ना जैसे कि अगर एग्जांपल देखें, अगर पोटैटो का नाम लिखे तो पोटैटो का साइंटिफिक नेम जो है सोलेनम ट्यूब्रोसम। ठीक है, अगर हम मैंगो का नाम देखें, इट इज मेंजीफेरा इंडिका। दिस इज नेम ऑफ मैंगो, मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो ये अभी बहुत सारे आगे नाम आएंगे, तो दिस इज बाइनोमियल। अब ये जो बाइनोमियल सिस्टम है जहां पे नेम स्पीसीज और जीनस का, मतलब जीनस और स्पीसीज के नेम से होता है,
ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नाम रख दे अपनी मर्जी से, नहीं, इसके लिए रूल्स होता है, ठीक है। आप उन रूल्स को ही फॉलो करके आप नेम करोगे, ठीक है। तो उसको रूल को बनाने के लिए देयर इज गवर्निंग बॉडी, ठीक है। फॉर प्लांट्स वी हैव ICBN एंड फॉर एनिमल्स वी हैव ICZN, प्रडन फॉर नॉमेनक्लेचर और नॉमेनक्लेचर देयर आर सर्टन रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर देयर आर सर्टन रूल्स which is framed by ICBN, I capital C capital B capital N capital ICBN, that is International Code for Botanical Nomenclature, International Code for Botanical Nomenclature in case of plant, and ICZN, that is International Code of Zoological Nomenclature in case of animal, okay। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ICBN और ICZN बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो आपको ये याद रहना चाहिए, ICBN एंड ICZN, ठीक है ना। अब हमारा आता है कि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से नेम कर दो किसी को कुछ भी, देयर आर रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। तो कुछ बहुत सारे रूल है हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, हम उन रूल्स को देखेंगे कि क्या क्या रूल्स है जो कि नॉमेनक्लेचर में हम लोग फॉलो करते हैं। राइट ऑन, फर्स्ट रूल, हेडिंग लिखिए रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर, रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। फर्स्ट, ए नेम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, और ए बाइनोमियल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज नेम ऑफ जीनस एंड नेम ऑफ स्पीसीज। ए बाइनोमियल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज नेम ऑफ जीनस एंड नेम ऑफ स्पीसीज। सेकेंड रूल, a binomial consists of two parts, that is name of genus and name of species, jaise ki mangifera indica, okay, mangifera indica, okay। Now next, second rule, अगर आप यहां पे नाम देखेंगे Mangifera indica, ठीक है, तो यहां पे जीनस का नाम मैंने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है और स्पीसीज का नाम स्मॉल लेटर से, ये दूसरा रूल है। राइट ऑन, सेकेंड रूल, इन अ बाइनोमियल नेम ऑफ जीनस starts with capital letter, name of genus starts with capital letter and name of species starts with small letter, name of species starts with small letter, ठीक है, क्लियर। जीनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और स्पीसीज का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट, ठीक है। नेक्स्ट रूल, जो बाइनोमियल है इट इज ऑलवेज इन लैटिन,
बाइनोमियल हमेशा किस लैंग्वेज में होगा? लैटिन में होगा. एंड इफ लैटिन वर्ड इज नॉट अवेलेबल देन इट इज लैटिनाइज्ड. इफ लैटिन वर्ड इज नॉट अवेलेबल देन इट इज लैटिनाइज्ड. अब यहां पे दो क्वेश्चन आता है कि व्हाई इन लैटिन, पहला क्वेश्चन, ठीक है, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड लैटिनाइज्ड. आपके पास बहुत सारे बुक बुक होंगे उसमें फर्जी आंसर दिया हुआ है, ठीक है, फॉल्स मैन, ट्रू मैन, दीपक, प्रदीप, गुड्डू, जो भी बुक आप पढ़ते हो मत पढ़ना, बेकार है, ठीक है. तो आपसे ये पूछा जाता है कि ये लैटिन में होता क्यों, क्यों हम लोग लैटिन यूज करते हैं. इसका एक जो सबसे मेजर कारण है कि लैटिन में देर इज नो सिनोनिम्स, दैट्स व्हाई लैटिन इज यूज. मतलब समझ में आ, जैसे अगर आप हिंदी में पढ़ा होगा पर्यायवाची शब्द, धरती धरा वसुंधरा अर्थ के लिए कहते हैं, ठीक है, प्रभाकर दिवाकर सूरज सन के लिए कहते हैं, सूर्य, ठीक है. तो यहां पे क्या पर्यायवाची शब्द हैं ये. लैटिन में कोई भी सिनोनिम नहीं होता है. अगर एक नाम है तो उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, इसलिए हम लोग लैटिन यूज करते हैं. समझ में आया क्यों हम लैटिन यूज करते. दूसरा इसमें यह कहा गया है कि इफ लैटिन वर्ड इज नॉट अवेलेबल देन इट इज लैटिनाइज्ड. अब इसका क्या मतलब है कि इफ लैटिन इज नॉट अवेलेबल देन इट इज लैटिनाइज्ड. जैसे कि हर वर्ड का लैटिन अल्टरनेटिव होगा ये जरूरी नहीं. जैसे बहुत सारे नाम के आगे आप देखते हो स्पेशली इंडिका, पैंजिफेरा इंडिका, तो इंडिका रिप्रेजेंट्स इंडिया, तो इंडिया का लैटिन में जो मतलब वर्ड है वो है इंडिका. लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम है जिसका लैटिन में कोई अल्टरनेटिव नहीं है. तो हम क्या करते हैं, उन वर्ड को इस तरीके से लिखते हैं कि जैसे लगे कि वो लैटिन का वर्ड है बट वो लैटिन का वर्ड नहीं है. दिस इज नोन एज लैटिनाइजेशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत फेमस बायोलॉजिस्ट है जिनका नाम है स्मिथ, ठीक है, तो हमें लगा कि हम स्मिथ के नाम पे बहुत सारे स्पीसीज का नाम किया हुआ है, ठीक है, तो अब स्मिथ का कोई लैटिन में ऑल्टरनेटिव नहीं है. तो हम लोगों ने क्या किया, इस स्मिथ को लिख दिया स्मिथियाना, नाउ इट इज लैटिनाइज, ठीक है. जैसे आयंगर एक साइकोलॉजिस्ट है एल्गी स्टडी के इंडिया में, तो उनके नाम पे आयंगेरिया. रॉक्सबर्ग है जो फादर ऑफ इंडियन बॉटनी है, उसके नाम पे पाइनस रॉक्सबर्ग. तो उस वर्ड को ऐसे लिखना है कि जैसे लगे कि वो लैटिन का वर्ड है, although it is not a Latin word. समझ में आई ये पॉइंट सबको कि लैटिन क्यों यूज करते हैं और लैटिनाइजेशन का मतलब क्या होता है. समझ में आया सबको. तो अगला रूल है कि binomial is always in Latin. Why? Because in Latin we do not have any synonym. कोई synonym नहीं होता. और मैंने कहा कि if Latin word is not available, if Latin word is not available, then it is Latinized. That means it is written in such a manner that it appears that it is a Latin word, but it is not a Latin word. Read on. Next rule likhiye. Binomial is always in Latin. Binomial is always in Latin. And if Latin word is not available, and if Latin word is not available, then it is Latinized. Latin word is not available, then it is Latinized. ठीक है ना, लिख लिया सबने. Next rule क्या कहता है कि जब भी आप binomial को लिखेंगे, हाउ इट कैन बी लैटिनाइज्ड. अभी तो बताया कि जैसे स्मिथ है, स्मिथ के लिए लैटिन में कोई वर्ड नहीं है, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि लगे कि यह लैटिन का वर्ड है, तो उसको हम लिखते हैं स्मिथियाना, ठीक है. आयंगर है, आयंगर के लिए कोई लैटिन वर्ड नहीं है, तो उसको ऐसे लिखते हैं आयंगेरिया, तो ये लैटिनाइज हो गया, ठीक है. अब नेक्स्ट रूल आता है हमारा, ये कहता है कि जब भी आप हाथ से नाम लिखेंगे, नेम ऑफ जीनस एंड नेम ऑफ स्पीसीज मस्ट बी सेपरेटली अंडरलाइन, ठीक है, हम दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे.
और जब भी हम इसको प्रिंट करेंगे इट इज प्रिंटेड इन इटालिक्स। आप बुक में देखिएगा कोई भी बाइनोमियल होगा वो इटालिक्स में प्रिंटेड होगा। क्यों? इन ऑर्डर टू शो देयर लैटिन ओरिजिन, की ये वर्ड जो है कहां से आए हैं, लैटिन से आए। समझ में आया? थर्ड वन नेक्स्ट रूल लिखिए, व्हेन बाइनोमियल इज हैंड रिटन, व्हेन बाइनोमियल इज हैंड रिटन देन नेम ऑफ जीनस एंड नेम ऑफ स्पीसीज इज, नेम ऑफ जीनस एंड नेम ऑफ स्पीसीज इज separately underlined, name of genus and name of species is separately underlined and when it is printed, and when it is printed in italics, it is printed in italics in order to so SHOW, in order to show their Latin origin, ठीक है, ये रूल हो गया, लिख लिया सबने। नेक्स्ट, अगला रूल, आप सब चाइना रोज जानते हो, चाइना रोज सबको पता है, ठीक है। चाइना रोज का जो साइंटिफिक नेम है वो है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। अब देखो ये तो जीनस हो गया हमारा हिबिस्कस, रोजा साइलेंसिस दो वर्ड है जो कि स्पीसीज का नेम है, ठीक है। तो कहता है कि इफ द नेम ऑफ स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स देन दोस टू वर्ड्स आर जॉइंड बाय पुटिंग ए हाइफन बिटवीन देम, दोनों को जॉइन करते हैं ऐसे एक हाइफन दे। समझ में आया? त्रण, व्हेन बाइनोमियल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, व्हेन बाइनोमियल consist of two parts, when binomial consists of two parts, then, sorry, when name of species consists of two parts, then those two parts are joined by then those two parts are joined by putting a hyphen between them, putting a hyphen between them, ठीक है। जैसे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, तो रोजा और साइनेंसिस दो वर्ड है तो इनके बीच में हमने एक हाइफन दे दिया, ठीक है, Hibiscus rosa sinensis, SINENSIS, Hibiscus rosa sinensis, ठीक है। चलिए अगला रूल, इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको हम लोग कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये जो रूल है इट इज कंसिडर्ड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है। क्या है इसको समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है, अब दुनिया में उस पे 100 लोग काम कर रहे हैं, कर सकते हैं भाई, अब सबने एक एक नाम दे दिया उसको, हम कौन सा नाम उसको माने, किस नाम को हम एक्सेप्ट करेंगे? हम सारे नाम को तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमें तो कोई एक नाम एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये रूल जो है, इस रूल को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी,
प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। ये रूल कहता है कि फर्स्ट वैलिडली पब्लिश नेम इज एक्सेप्टेड एज बाइनोमियल एंड रेस्ट आर रिजेक्टेड। मतलब समझ में आया कि मान लो 100 आदमी ने उसको नाम दिया, उसमें से वो नाम जो सबसे पहले पब्लिश हुआ हो और वो उसने सारा रूल फॉलो किया हो, ऐसा नहीं कि मैं सो के उठा और मैंने एक नाम दे दिया, वैसे नहीं, उसने सारे रूल को फॉलो किया जो रूल रिक्वायर्ड है और उसके बाद उसको नाम किया, उस नाम को हम एज ए बाइनोमियल एक्सेप्ट करेंगे और बाकी सबको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। समझ में आया सबको, क्लियर है कि फर्स्ट वैलिडली पब्लिश नेम इज एक्सेप्टेड एज बाइनोमियल एंड रेस्ट आर रिजेक्टेड। क्लियर है? थर्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। अकॉर्डिंग टू दिस रूल फर्स्ट वैलिडली पब्लिश नेम इज एक्सेप्टेड एज बाइनोमियल। फर्स्ट वैलिडली पब्लिश नेम इज एक्सेप्टेड एज बाइनोमियल, सोना मना है, एंड रेस्ट आर रिजेक्टेड। ओके, रेस्ट आर रिजेक्टेड। अच्छा, रिपीट कर दूं, मैंने कहा कि फर्स्ट वैलिडली पब्लिश नेम is accepted as binomial and rest are rejected। क्लियर है? लिख लिया सबने? ना, अब देखिए अगला रूल। दो रूल और रह गए आपके लेवल पे, ऐसे तो बहुत सारे हैं जो हम लोग और करेंगे। एप्पल आप लोग सब जानते हैं, सेव, ठीक है। एप्पल का जो पहले साइंटिफिक नेम था एप्पल का, दैट वाज मैलस, ठीक है, MALUS, मैलस। मतलब क्या हुआ, यहां पे जीनस और स्पीसीज का नेम जो है वो सेम है ना, नेम ऑफ जीनस एंड स्पीसीज इज सेम। तो प्लांट नॉमेनक्लेचर में जब जीनस और स्पीसीज का नेम सेम होता है, या एनिमल नॉमेनक्लेचर में जब भी जीनस और स्पीसीज का नेम सेम होता है, उसको हम लोग कहते हैं टॉटोनिम्स, TAUTONYMS, टॉटोनिम्स, ठीक है। समझ में आया कि मैं नेम ऑफ जीनस एंड नेम ऑफ स्पीसीज सेम, then it is known as टॉटोनिम, ठीक है, TAUTONYMS, टॉटोनिम्स। अब देखो, प्लांट नॉमेनक्लेचर में वी डू नॉट एक्सेप्ट टॉटोनिम। अगर आपने किसी प्लांट में जीनस और स्पीसीज का नाम एक रखा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। हम कहते हैं कि इन प्लांट नॉमेनक्लेचर टॉटोनिम्स आर नॉट एक्सेप्टेड, बट इन एनिमल नॉमेनक्लेचर इट इज एक्सेप्टेड। कैसे? एनिमल में देखिए, चूहा जो होता है उसका नाम है रैटस, गोरिल्ला का नाम है गोरिल्ला, कोबरा का नाम है नाजा। ये सारे नाम जो है ये एक्सेप्टेड है, बट प्लांट के केस में ये एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। इन केस ऑफ प्लांट वी डू नॉट एक्सेप्ट टॉटोनिम। तो अब सर व्हाई इट इज नॉट एक्सेप्टेड इन प्लांट? रूल है भाई, साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर बनाया है रूल, एक फिक्स रूल है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो एप्पल
का नाम मालस मालस इज नॉट एक्सेप्टेड, तो इसका नया नाम है मालस इंडिका, मालस इंडिका एप्पल। लेकिन एनिमल के केस में हम टोटोनिम को एक्सेप्ट करते हैं। समझ में आया? तो लिख लीजिए इसको, ये रूल लिख लीजिए, इन केस ऑफ प्लांट नॉमनक्लेचर, इन केस ऑफ प्लांट नॉमनक्लेचर टोटोनिम्स आर नॉट एक्सेप्टेड। टोटोनिम्स TAUTONYMS, इन केस ऑफ प्लांट नॉमनक्लेचर टोटोनिम्स आर नॉट एक्सेप्टेड, whereas in case of animal nomenclature totonyms are accepted, like rattus rattus chua, gorilla gorilla gorilla, naja naja cobra, apple malus domestic, सॉरी सही बोल रहे हो, इससे कंफ्यूज कर गया, सही कह रहे हो, मालस डोमेस्टिका ही है, सॉरी माय फॉल्ट, इट इज मालस डोमेस्टिका। ओके, सो करेक्ट कर लेना, एप्पल का नाम मालस डोमेस्टिका, कैसे और भी बहुत सारे नाम है, रहने दो, मालस डोमेस्टिक, ठीक है, एप्पल का नया नाम। ओके, हाँ ये हो गया। अब लास्ट रूल, नॉमेनक्लेचर का लास्ट रूल, कोई भी नाम है ठीक है, तो उसको किसी ने दिया होगा ना वो नाम, अपने आप को वो प्लांट नहीं बोला कि आज मैं मेरा नाम आज से ये हो गया, ये हम लोग कर सकते हैं, प्लांट और एनिमल तो नहीं कर सकते, तो किसी ने दिया होगा, जिस आदमी ने भी उस नाम को दिया है उसको हम लोग कहते हैं ऑथर, ठीक है भाई, उसको भी कुछ क्रेडिट मिलना चाहिए ना, ऑथर को मेहनत किया अगले ने, अलग बात है हम नाम याद करके परेशान है, लेकिन उसने तो मेहनत किया, ठीक है, तो उसका नाम जो है इट इज रिटन इन एब्रीविएटेड फॉर्म आफ्टर द नेम ऑफ स्पीसीज। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैंगो है, तो मैंगो का नाम है मैंजिफेरा इंडिका, ठीक है, अब ये जो मैंजिफेरा इंडिका नेम है इसको सबसे पहले किसी ने दिया, और वो जो नाम दिया वो दिया लीनियस ने, तो लीनियस का नाम जो है इन एब्रीविएटेड फॉर्म LIFF इज रिटन आफ्टर द नेम ऑफ स्पीसीज, ठीक है, इसको अंडरलाइन नहीं करना, अंडरलाइन सिर्फ जीनस और स्पीसीज का नाम होगा, ऑथर का नाम नहीं होगा, और ऑथर कौन है, इज अ पर्सन हु हैव फर्स्ट टाइम करेक्टली डिस्क्राइब दैट पर्टिकुलर प्लांट, उसने पहली बार उस प्लांट को करेक्टली डिस्क्राइब, क्लियर है प्रॉब्लम, नेम ऑफ ऑथर इन ब्रैकेट राइट डाउन, पर्सन हु हैव फर्स्ट टाइम करेक्टली Describe that plant. ठीक है, bracket close. Is written in abbreviated form. After the name of species. बहुत सारे रूल हो गए आपके लेवल के लिए, इतने रूल काफी है, ठीक है, सो वी आर थ्रू विथ नॉमेनक्लेचर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट स्टेप इज क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन होता क्या है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, ग्रुपिंग ऑफ लिख लीजिए, ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज,
for the sake of study, for the sake of study. ठीक है, grouping of plants and animals into convenient category for the sake of study. सिंपल से एग्जाम्पल इसका है हमारे घर का फ्रिज. आप अपने घर का फ्रिज खोलो, आप देखोगे टमाटर अलग रखा हो, अदरक अलग रखा हुआ, मिर्च अलग रखा हुआ, भिंडी अलग है, लौकी अलग है, सब अलग अलग रखते हैं. ऐसा थोड़ी ना है कि घर में सारे सब्जी को मिक्स करके रख दिए. नहीं, अलग अलग क्यों रखते हैं अलग अलग? कि जब हमें रिक्वायर्ड हो कि भैया अदरक चाहिए तो अदरक हमें मिल जाना चाहिए, वैसे ही हम कन्वीनियंट कैटेगरी में इनको डिवाइड करते हैं. ठीक है, ताकि हमें जैसा जरूरत हो हम उसके हिसाब से उसको आइडेंटिफाई कर सके, क्लासीफाई कर सके. ठीक है, तो हमारे क्लासिफिकेशन में देयर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज. इन क्लासिफिकेशन वी हैव 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी. ठीक है, कौन कौन से कैटेगरी है? दैट इज किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. ठीक है, सो दीज आर द 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. ठीक है, यहां पे देखिएगा कि मैंने फाइलम और डिवीजन अलग अलग यूज किया है. फाइलम जो है ये हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? एनिमल के लिए. और डिवीजन जो है ये हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? प्लांट. ठीक है, राइट ऑन. नेक्स्ट पॉइंट, इन क्लासिफिकेशन देयर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज. इन क्लासिफिकेशन देयर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप क्लासिफिकेशन करोगे तो ये 7 कैटेगरी में तो आपको डिवाइड हर हाल में करना है. चाहे कुछ हो जाए, ये 7 कैटेगरी में आपका डिवीजन होगा. ठीक है ना, अब इसके अलावा भी अपार्ट फ्रॉम दी 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी वी हैव वेरियस सब कैटेगरीज. वो ऑब्लिगेट नहीं है, वो जरूरी नहीं है, वो आपके ऊपर आपकी श्रद्धा है. आप करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते हो मत करो, कोई नहीं पूछ. सो अपार्ट फ्रॉम दी 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज वी हैव वेरियस सब कैटेगरीज इन ऑर्डर टू मेक क्लासिफिकेशन मोर कन्वीनियंट. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी बड़ा अगर प्रॉब्लम है उसको आप जितने पार्ट्स में ब्रेक कर दोगे उसको सॉल्व करना उतना आसान हो जाएगा. समझ में आया? अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम है आप उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दे रहे हो तो उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा. बचपन से सिखाया गया है. तो ये क्लासिफिकेशन भी 23 सब कैटेगरीज या मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, रहने दो. ठीक है, मैं फिर से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनो. मेरे सब्जेक्ट में एनसीईआरटी और मेरे नोट्स के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना. आप क्वेश्चन कहीं से भी उठा के करो. अगर जिस लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया, प्रदीप, दिनेश, सुरेश, गुड्डू, पिंकू, ठीक है, उधर से करना शुरू किया, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो गया. ठीक है, तो प्लीज आप रिसर्च नहीं करेंगे, आप एनसीईआरटी और मेरे नोट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे. बाकी सब्जेक्ट का मैं नहीं जानता, मैं अपने सब्जेक्ट की गारंटी रहूँगा. 100 क्वेश्चन अगर आपके सीनियर, आपके जानकार हो, जो फिर पहले पढ़े हो जेनेसिस में, मेरे से पढ़े हो, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर 100 क्वेश्चन अगर पॉटनी से आएगा तो 95 प्लस अपने नोट्स से हो जाएगा. 5 की गारंटी नहीं ले रहा, कभी नहीं ली जब से पढ़ा रहा हूँ, अभी भी नहीं लूँगा. लेकिन 100 में 95 बहुत होते हैं, कोई भी कॉलेज मिल जाएगा. ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, रिसर्च नहीं करना है. ठीक है, और खास करके उन लोगों को मैं बता रहा हूँ जिनके घर में पहले कोई तैयारी करके बैठा हुआ है या जिनका बायो का बैकग्राउंड है, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को मिसगाइड मत कीजिएगा. ठीक है,
पैटर्न चेंज हो गया है, आज से 10 साल 15 साल पहले जो आता था वो अब नहीं आता है। ठीक है, अब का एग्जाम पहले के एग्जाम से बहुत आसान हो गया। ठीक है, पहले मुश्किल था तो एंट्री आसान था, अब एग्जाम आसान हो गया तो एंट्री मुश्किल हो गया। पहले 500 नंबर लाने पे सिलेक्शन हो जाता था, आज 600 नंबर लाने पे भी उम्मीद रहता है कि मिल जाएगा सर। तो दैट्स द डिफरेंस। अगर पेपर आसान होगा तो सिलेक्शन मुश्किल होगा, पेपर मुश्किल होगा तो सिलेक्शन आसान होगा। और सिलेबस चेंज हो गया है तो पुराने पैटर्न पे आप नहीं जाएंगे। जैसे दिनेश उनेश आप उठाएंगे तो उसमें कबाड़ भरा हुआ है किलो के भाव। आपको सिर्फ बॉटनी नहीं पढ़ना है, आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, जियोलॉजी भी पढ़ना है। ठीक है, आप अगर रिसर्चर मोड में जाओगे, आप हर चीज याद करोगे तो दिमाग में क्लटर जमा होगा, और दिमाग पर तो भाई हार्ड डिस्क का फिक्स स्पेस है। अगर आप उस स्पेस में कचरा भरते जाओगे तो कोई अच्छी चीज की तो स्पेस रहेगा नहीं ना। और यहाँ पे आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करना है। ठीक है, आप एक ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्टिव तरीके से ही तैयारी कीजिए, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। जो डाउट है आप मेरे से पूछना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिसर्चर मत बनना। ठीक है, अगर रिसर्च करोगे तो मैं कागज पे लिख के दे दूंगा कि नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक है, तो रिसर्च नहीं करना है, आराम से तैयारी करना, बिना टेंशन लिए हुए खुश रहना है। हेल्थ का सबसे पहले देखो, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ, अच्छे से खाओ, अच्छे से सो, और उसके बाद पढ़ाई करो। खाना अच्छा है, सोना अच्छे से, उसके बाद पढ़ाई करना है। और फाइनली याद रखना, We are not here to prove anything to anyone. हम जो भी कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं, हमें किसी को कुछ नहीं दिखाना। ठीक है, हम किसी को प्रूव नहीं करना कि घड़ी देख के 16 घंटे 18 घंटे 15 घंटे कुछ नहीं होता। टाइम नहीं काटना है हमें कि 16 घंटे काट दिया आज, नहीं। जो भी पढ़ना है इफेक्टिवली पढ़ना, और अपने लिए पढ़ना है। अपने लिए करोगे तो सक्सेसफुल रहो। चलो छोड़ो, तो ज्ञान की बात बाद में। तो ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखे, अपार्ट फ्रॉम दीज सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरीज देयर आर वेरियस सब कैटेगरीज इन ऑर्डर टू मेक क्लासिफिकेशन मोर कन्वीनियंट। फॉर एग्जाम्पल सब स्पीसीज ट्राइब TRIBE ट्राइब, सब स्पीसीज ट्राइब, सॉरी सब स्पीसीज नहीं, सब कैटेगरी ट्राइब इज प्रेजेंट बिटवीन फैमिली एंड जीनस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं थर्सडे को, फिर क्लास है। ओके okay?